बिहार की जनता में से है। हमेशा कहता रहा हूँ बिहार जो है ये सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये गांधी की कर्म भूमि है, सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है। और यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। कई बार मैंने कहा है, आज भी ये बात दोहरा रहा हूँ और बार बार यही दोहराता रहूँगा जब तक मैं हूँ, कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कभी नहीं बचेंगे। और हमने 2 दर्जन से अधिक लोगों पर केस कर दिया। लो आओ सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर आकर के फेक न्यूज दो, फेक पोस्ट करो, प्रोवोकेटिव पोस्ट करो, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने वाला कोई पोस्ट करो, 24 घंटे में जेल में बुक करेंगे आप। इनको जो इन पर तो सांप्रदायिक, इन पर तो बहुत भारी मुकदमे होते हैं, इन पर तो राष्ट्रीय, इन पर तो बहुत, ये एक बार इन पर मुकदमा हो गया इसके बाद में गुंडा रजिस्टर में इनका नाम भी चलता है। और सांप्रदायिक सौहार्द जब जब भी उस इलाके में बिगड़ेगा और उस समय तब इनको याद किया जाएगा, इन पर FIR होगा, ये जेल जाएंगे, इनकी कुंडली खराब हो गई। अगर विद्यार्थी हैं, नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लग सकती आपकी, किसी भी चपरासी की भी नौकरी नहीं लगी, कंट्रेक्टर भी बनना है तो उसके लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, आपको चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में आपके नाम से नहीं, आपके घर में किसी के नाम से लाइसेंसी हथियार है, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। किसी भी सरकारी काम लायक आप नहीं रहेंगे, कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी, गुंडा रजिस्टर में नाम भी चढ़ जाएगा और हमेशा के लिए आपका ये सत्यानाश हो जाएगा। नहीं करिए। एक MHA ने चिट्ठी लिखा है, बॉर्डर जो भी पोरस बॉर्डर है सबको सील करना है, तो उस पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पोरस बॉर्डर जो सील कर रहे हैं, जो हमारे लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। देखिए हमारी 7 जिले की सीमाएं मिलती हैं नेपाल से, बॉर्डर पोरस है, बहुत बड़ा है, SSB के हवाले है। आज ने बहुत पहले से नेपाल और भारत के सीमा पर SSB की फौज रहती है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स रहती है। हमारे बिहार पुलिस के जवान हैं वहाँ भी, हमारे प्रशासन के अधिकारी भी हैं। और अब केवल चाहे जितने भी जवान हों, जितने भी अधिकारी हों, केवल इनके भरोसे तो हम चेक पोस्ट पर रोक देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन बॉर्डर पोरस होने के कारण एक एक एंट्री रोकना तो मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य की बात है, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि एक एक बिहारी जग चुका है। कोई अब चाहे भी तो गांव में किसी बाहर के आदमी को घुसने ही नहीं देता। हर आदमी अब सिपाही बन गया है बिहार का। तो अभी कल ही एक घटना हुई सीतामढ़ी में, नेपाल से एक आदमी आ गया, उसको तुरंत गांव लोगों ने पकड़ लिया गया है। उसको लेकर के बिहार पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कैसे? बिहार पुलिस के सामने नहीं, पूरे देश की पुलिस के सामने चुनौती है। लेकिन बिहार पुलिस तो पहले से मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है। हमने पहले ही अनुमान कर लिया था कि 1 लाख का ये दायरा बढ़ सकता है, तो हमने सेंसिटाइज करके रखा है, सबको बता कर रखा है, दरोगा से लेकर के थानेदार से लेकर सिपाही तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, सारे लोगों को हमने पहले से तैयार करके रखा है। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम संभाल लेंगे।